सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स दिखाने वाला हूँ HDFC बैंक का स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ एक महीने के अंदर में या दो महीने के अंदर या तीन महीने के अंदर हम कितना ट्रांजेक्शन करें हैं, आपके अकाउंट में कितना पैसा आया, आप एक महीने के अंदर में कितना पैसा निकालिए, सारी डिटेल स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ HDFC बैंक का स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे। आज की इस वीडियो में यही आप लोग को सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने छोटी रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए चैनल कर तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। मैं इस चैनल पर बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ, इसलिए आप ये चैनल को कर दो सब्सक्राइब मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से HDFC मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना। ये वीडियो सिर्फ उसके के लिए जो HDFC बैंक का कस्टमर, ये वीडियो उन्हें के लिए, अगर आप नहीं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। चलिए आपको यहाँ पर मैंने HDFC मोबाइल एप्लीकेशन पहले से डाउनलोड कर लिया। चलिए इसको मैं ऐसे ओपन कर लेता हूँ। ये HDFC मोबाइल इस तरह का लोगो रहेगा आपके पास, इसको ओपन करना। ओपन होने के बाद आपके पास इस तरह का डिस्प्ले यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा लोडिंग ले रहा, लोडिंग लेने भाई यहाँ फर्स्ट में देखिए वेलकम मी, जिसके नाम से ये अकाउंट रहेगा सो वहाँ पे इसका नाम शो कर देगा। आपको यहाँ पे जो HDFC मोबाइल बैंकिंग का जो आपका पासपोर्ट है वो पासपोर्ट आपको डाल लेना है। चलिए जो मैंने मेरा जो पासपोर्ट है पासपोर्ट यहाँ पर मैं डाल कर यहाँ पर मैं फटाफट से यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सर्चिंग यहाँ पर ले रहा है। आपको कुछ समय आपको यहाँ पर वेटिंग करना पड़ेगा, पूरे तरीके से ये HDFC मोबाइल एप्लीकेशन आपके पास खुल कर यहाँ पर शो हो जाएगी। आपके अकाउंट में कितना पैसा है वो आपको बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा, नीचे में फर्स्ट में यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे है, यहाँ देखिए यहाँ पर एरर है, इस पर टिक पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये फिर से यहाँ पे लोडिंग लेगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में अकाउंट नंबर शो हो रहा है, कितना बैलेंस अकाउंट में वो शो हो रहा है। आपको साइड में देखिए शो अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पे पूरे अकाउंट की डिटेल देख सकते हैं। शेयर अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पे किसी के साथ अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। नीचे में देखेंगे स्टेटमेंट, ये एरर पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद देखिए ये इस तरह का आपके पास ऑप्शन खुल के आएगा। देखिए आप कितना ट्रांजेक्शन करें एक महीने के दो अंदर में, दो महीने के अंदर, तीन महीने के अंदर, वो सारे ट्रांजेक्शन की लिस्ट आपको आ जाएगी। यहाँ पे इसका डेट तारीख आपको शो कर दिया जाएगा। आपको ये स्टेटमेंट डाउनलोड करने के यहाँ देखिए रिक्वेस्ट स्टेटमेंट पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आप यहाँ पर दो चीज़ से स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, ईमेल से या डाउनलोड पर। चलिए यहाँ पर मैं ईमेल से नहीं मंगाना चाहते, मैं ऐसे डाउनलोड, अगर ईमेल पे मंगाना चाहते हैं ईमेल पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप इसमें मंगाना चाहते हैं डाउनलोड पे कर सकते, जैसे मैं डाउनलोड करना चाहता हूं तो मैं देखिए यहां पे आपको डेट तारीख आ जाएगी, करंट मंथ 1 अगस्त। चलिए यहां पे मैं डेट सेलेक्ट कर रहा हूं, या मैं 1 मंथ का निकालना चाहता हूँ, 1 मंथ यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप जैसे 2 मंथ 3 मंथ का निकालना चाहिए वो आपको सिलेक्ट करना। आप PDF में करना चाहते हैं, PDF या XLS या TXT इसमें करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना। जैसे मैं PDF में करना चाहता हूँ, आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन है, कैंसिल डाउन कंफर्म। अगर आपको कैंसिल करना है कैंसिल पे, अगर कंफर्म करना तो डाउनलोड करनी है आपको कंफर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। कंफर्म पे जैसे क्लिक करेंगे ये थोड़ा यहाँ पे लोडिंग लिखे, फाइल डाउनलोड सक्सेसफुल। आप देखिए ऊपर में या देखिए इस तरह करेंगे ये डाउनलोड, यहाँ पर देखिए डाउनलोड होना ये शुरू हो चुका। चलिए इसका मैं पूरा डाउनलोड होगा, आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखलाता हूँ। मैंने स्टेटमेंट को ओपन करा तो इस तरह का आपके पास यहाँ पे लिस्ट स्टेटमेंट के खुल के आ जाएगी। फर्स्ट में यहाँ पे आपको शो करेगा जहाँ पे अपने अकाउंट खोलिया हुआ, अकाउंट की पूरी ब्रांच की यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी, सारी डिटेल्स ब्रांच की, यहाँ पे IFSC कोड, कोड नंबर जितना है, सारी कस्टमर सारी यहाँ पर डिटेल्स आपको शो कर देगी। इसके साइड में देखेंगे यहाँ पर मेरा यहाँ पर फादर का नाम यहाँ पर शो कर रहा है, एड्रेस मेरा यहाँ पर शो कर रहा है। फर्स्ट में यहाँ पर देखा यहाँ लिखा है HDFC बैंक, यहाँ पे इसका लोगो लगा हुआ। ये कितना पेज रहेगा, पेज नंबर 1 है यहाँ पे, इतना पेज आपको शुरू कर, जितना पेज रहेगा फर्स्ट में उसका पेज शुरू करेगा। नीचे में देखें यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको यहाँ शुरू करेगी, किस डेट को आपने कितना पैसा ट्रांजेक्शन करा। देखिए 30/7/2021 से मैंने एक ट्रांजेक्शन करा था, इसका यहाँ पर UPI ID से मैंने करा था, यहाँ पर वो शुरू कर देगा। एक महीना ट्रांजेक्शन करा 30/7/2021 को, ये करा था 30/7/2021 को, तीनों ट्रांजेक्शन में इतनी डेट का है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। कितना पैसा वो सारी डिटेल्स यहाँ पे, उस डेट की सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। आपका जितना पैसा जमा रहेगा अकाउंट में वो सारी डिटेल्स वहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। और देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा फंडिंग आपको यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ पर डेट लग रहा है 8 अगस्त 2021, ये आज का जिस दिन आप डाउनलोड करेंगे, जिस डेट को करेंगे वो डेट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ग्रीन बाय यहाँ पर नंबर्स को शो कर रहा है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर 0 यहाँ पर है। और देखें आपके अकाउंट में जितना बैलेंस अमाउंट रहेगा वो सारे अमाउंट शो कर, यहाँ पे अमाउंट्स में शो कर रहा है। यहाँ देखिए ये पूरे अकाउंट के आपके डिटेल्स, यहाँ पे ब्रांच, यहाँ नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, ये सारे स्टेट सिटी कंट्री सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। आपने देखा कि मैंने HDFC बैंक का स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करा। इस वीडियो में आपने पूरा
लाइव सीखा। अगर यह वीडियो आपको पसंद है लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन है कमेंट करें, आप नीचे पूछ सकते हैं।